वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। तो आज मक्खी जी भागिए ज़रा। हाँ, तो आज मैं आप सबके लिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार की है। अच्छा, कहानी का नाम तो बताया ही नहीं, पर अगर मैं नाम बता दूँगी तो मॉरल पहले पता लग जाएगा, तो आप लोग खुद एक टाइटल बना के कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा इस बार, ठीक है? एक्टिविटी होगी आप लोगों की। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है। एक समय की बात है, आप लोगों ने देखा होगा ना कैसे चिड़िया झुंड में उड़ उड़ के जाती हैं, है ना? वैसी तो चिड़ियों की कहानी। तो एक समय की बात है, एक पेड़ में एक चिड़ियों का झुंड रहता था, और उस झुंड में एक लीडर थी जिसको हम कहते हैं चिड़ियों की रानी, वो थी। तो वो रोज़ अपने साथियों को बोलती थी कि चलो आज सब मिलके एक साथ दाने इकट्ठे करके वापस आते थे। तो सब लोग जाते थे ढूंढने, और फिर वो दाने उठा के लेके आते थे, घोंसले पे ही रखते थे। और हर सुबह रानी इक्वली डिवाइड करके, यानी कि सबको इक्वल हिस्सा देती थी उस कलेक्टेड ग्रेन्स का, यानी कि जितने भी उन लोगों ने इकट्ठे करे थे ना दाने, उन सब का इक्वल भाग देती थी सारी चिड़ियों को। तो सब बहुत अच्छे से संतुष्ट होकर खाते थे, और ये रानी जो थी वो ध्यान रखती कि कोई भी रात को खाली पेट सोने ना जाए। तो ऐसे बड़े खुश रहते थे सारे के सारे। तो एक दिन उसी झुंड में से एक छोटी चिड़िया, जिसको उतनी समझ नहीं थी, वो गई, उड़ती है, ढूंढती है, दाने ढूंढती है। तो उसको नज़र आता है कि अरे, उस विलेज में, उस गांव में के रास्ते में बैलगाड़ियाँ खाना लेके जा रही हैं, और वो खाने के दाने नीचे सड़क पर गिर रहे हैं, जिससे सड़क कवर हो रही है थोड़ी थोड़ी ग्रेन से, यानी कि दानों से। अब वो सोच रही है कि ये सारे दाने मैंने देखे हैं, और इतना सारे दाने मेरे होने चाहिए, क्योंकि मैंने ढूंढा इन्हें, मैं ये किसी के साथ नहीं बांटूंगी। तो आम तौर पर क्या होता था, अगर किसी को ढेर सारे दाने नज़र आते थे और उसको वो अकेले उठाने में मुश्किल होती थी, तो वो कहती थी कि सारी चिड़ियों को बुला लो और एक साथ उठाओ। बट ये चिड़िया ने वैसा नहीं किया। वो जाती हैं रानी के पास, पर सुनिए क्या बोलती हैं। वो कहती हैं कि रानी जी, रानी जी, वहाँ ना गांव के रास्ते में ढेर सारे दाने गिरे हुए हैं, पर अगर हम सारी चिड़ियाँ जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ पे ना वो बैलगाड़ियाँ आ रही हैं, उसके नीचे हम आके मर सकती हैं। तो आप ना सबको बोल दीजिए कि कोई भी गांव वाले रास्ते की तरफ ना जाए दाने इकट्ठा करने के लिए। रानी सोचती है, बात तो बड़ी समझदारी की करी है, अब बैलगाड़ियों के नीचे आ जाएंगे तो चिड़िया तो मर जाएंगी। तो वो ये सोच कर सारी चिड़ियों की मीटिंग रखती हैं, बोलती हैं आओ आओ, तुम सब आओ। तो सब एक साथ बैठते हैं, और फिर वह लोग सोच में रखते हैं, सोच समझते हैं कि पूरी कहानी है क्या, कि क्यों उन लोगों को उस रास्ते पे नहीं जाना है। तो उनको समझाती है रानी कि अगर तुम उससे जाओगे तो तुम, हमारी जान को खतरा है, तुम मत जा। तो सारी चिड़ियाँ मान जाती है रानी की कहना। तो ऐसे सब चले जाते हैं, दूसरी ओर चले जाते हैं, पर ये जो नन्ही चिड़िया थी वो बोलती है, अब मैं पेट भर के भोजन करूँगी, अपने दाने किसी को नहीं दूंगी। वो जाती है, और उसको ये पूरा विश्वास होता है अपने ऊपर, उसको इतना विश्वास होता है कि वो किसी भी बैलगाड़ी के नीचे नहीं आएगी। वो आराम से दाने चुग रही होती है, दाने चुगती है, जैसे ही देखती है कि कोई गाड़ी आ रही है, वो अपनी स्फूर्ति के वजह से और अपनी एक्टिवनेस जो है उसकी, उस सब के वजह से वो रास्ते से टाइम पर हट जाती है। ऐसे ही चलता गया, बहुत दिन ऐसे ही चल रहा है, वहीं पे गिरे हुए दाने वो रोज़ आती है, वहाँ से खाती है, चुपके चुपके आती है, खाती रहती है। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो मोटी होने लगी। अब जो उसकी स्फूर्ति थी ना, वो ख़त्म होने लगी, क्योंकि वो मोटी होने लगी, अब वो जल्दी से इधर उधर चल नहीं सकती। अब करे तो करे क्या, अब ऐसे ही एक दिन आई, वो वहीं पर दाने चुग रही थी। उसके बाकी जो थे झुंड के मेंबर्स, जो बाकी चिड़िया थी, वो तो आती नहीं थी। बैलगाड़ी आई, वो चल नहीं सकी, क्योंकि उसकी स्फूर्ति तो चली गई, वो बेचारी नीचे आके बैलगाड़ी के मर गई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें ये भी पता लगता है कि जब आप मिल बांट के करेंगे, जब आप एक दूसरे को बता के कोई कार्य करेंगे, तो उस कार्य का लाभ दुगुना होता है। अब देखिए, अगर इस चिड़िया ने बताया होता तो वो जो दाने वहाँ गिरे हुए थे वो उनके घोंसले के अंदर होते और सबको मिलते, इसकी स्फूर्ति भी नहीं जाती, उतनी ही स्फूर्ति के साथ काम कर पाती, पर इसने नहीं किया।
तो आप याद रखिए, लालची ना बने और बांटिए अपना सब कुछ, बांटिए जितना आप बांट सकते हैं बांटिए। इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले थर्सडे एक कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।